चैलेंज ज्योति डॉट पंकज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे कूलर का हाल क्या हुआ है। देखिए चूहा, मेरे घर में जो चूहा है वो चूहा पूरा पूरा तार खा गया है। ये दिखाइए, चूहा पूरा तार खा गया है। देखिए सारा का सारा चूहा तार खा गया है। इतना थोड़ा सा बचा है, पानी वाला पाइप है जो ऐसे साफ कर दिए हैं, साफ करके रख दिए हैं कि गर्मी अभी उतना आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है गर्मी। गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो सो उससे पहले कूलर बनवाने के लिए मार्केट में भेज देंगे दुकान के पास। ये कूलर का हो गया कम से कम 3 साल हो गया कूलर का। इसका जो वैल्यू रेट रहता है वो तो पार हो गया है। हैवलेस कंपनी का है। जब मेरा बाबू छोटा था आरुष, तभी मेरे हस्बैंड आए थे पटना से। जब मैं मम्मी के पास थी, मम्मी के घर पे, आंखों में भी चूहा काट दिया। देखिए ये भी पता जो होता है ये बदला चेंज करना पड़ेगा। बाकी कितना लगेगा इसका चार्ज, बहुत ज्यादा भी बैठेगा। हम लोग साफ करके रख दिए। मेरा कूलर खराब हो गया, कोई बात नहीं, पंखा है तब तक पंखा से चलेगा। काम आरुष, हाय गाइस, वेलकम माय डियर बेस्ट फ्रेंड यू। हाँ इतना ही, हाय गाइस वेलकम। और एक और क्या, बस इतना ही। क्या लेगा? लोटो चके पाए। किस लिए? पाए पाए नहीं, अब गई। मेरा लाइन भी खराब, घर का लाइन खराब हो गया, शॉर्ट लड़ गया है। देखिए किस तरह शॉर्ट लग रहा है, शॉर्ट लड़ गया है। और इसका जो लाइन कट नीचे ऊपर जो होता है वो उसी में शॉर्ट लड़ गया है, तो इसे तार निकाल दिए। गर्मी लगेगा सोलर, लाइन भी कट गया है और प्लस बाहर भी नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि बाहर का जो हवा है काफ़ी गरम गरम हवा निकलता है। बगल में लगता है ये डायरेक्ट लाइन लेने से ना शायद बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, इसी कारण लाइन बार बार शॉर्ट उड़ जाता है। रखो अंदर, कहाँ जा रही खेलने के लिए? धूप में मत जा पियो, खेलने के लिए घर में आ। यही खराब हो गया, जल गया। ये मेन लाइन का जो स्विच होता है यही खराब हो गया, तो इसे मैं दे रही हूँ बनाने के लिए, जा रहे मार्केट लेकर बनवाने के लिए। सो लीजिए, देखिए इसी से लाइन अप और डाउन होता है। जल गया है तार इसके अंदर जी। तो बनाने के लिए चले गए हैं वो जो स्विच होता है वो, और मैं अब काम जा रही हूँ करने के लिए घर का, क्योंकि घर का काम, घर पूरा गंदा कर दिया है। बाबू लोग अभी खेल रहा था दोनों, और पीहू खेल कर बाहर से आई है, फिर जा रही है खेलने के लिए। बहुत बदमाश हुई, मतलब स्कूल का छुट्टी रहता है तो वो खेलती ही रहती है। अच्छा आज भर, कल से कंटिन्यू करेगी, कल सैटरडे है और फिर परसों संडे, मंडे से कंटिन्यू करेगी। पीयूष जाएगा हॉस्टल अभी, ये जो पूरे मई है, ये सॉरी मई नहीं अप्रैल, ये पूरा अप्रैल जाएगा स्कूल, रोज़ाना जाएगा अभी। उसके बाद ये जो मई, जैसे ही एक मई आएगा, मई में इसका उसी स्कूल में हॉस्टल में चला जाएगा, क्योंकि सर बोले कि अभी तब तक फ़िलहाल बच्चे का ड्रेस अभी आया नहीं है, छोटा बच्चा का भी बुक आ गया है और ड्रेस पूरा परफेक्ट लाया नहीं है, तो वही ड्रेस है, तब तक जो ड्रेस पहले से था इसका वही ड्रेस पहना के भेजाती हूँ। और हॉस्टल में जाएगा अगले महीने से, तो उसके लिए सारा बंदोबस्त कर दी हूँ, मार्केट से सारा सामान ले आई हूँ, जो भी उसका ज़रूरत का सामान है वो लेकर चली आई हूँ। जिस दिन हॉस्टल जाएगा उसका भी वीडियो शूट करूँगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी हॉस्टल जाते हुए।
पीयूष हॉस्टल में चला जाएगा, प्लस पीयू रोजाना स्कूल बस से आएगी और जाएगी, और जो आरूस है छोटा वाला बहुत नटखट है, वो अगले साल जाएगा, 6 महीने के बाद चला जाएगा वो भी। उसके बाद तीनों पढ़ने चले जाएगा, तो उसके बाद मैं घर का जो काम है वो करूँगी, निपटाऊँगी काम करके। सोचती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो मतलब बनाती हूँ कि अच्छा लगेगा। तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस आप अगर आप लोगों को कोई जैसे कि वीडियो में न्यू वीडियो में इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से देखना पसंद करते, जैसे कि कॉमेडी हो गया, जैसे कि पीयूष और आरुष का कॉमेडी वीडियो एक बनाई थी तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यू आया था, तो अगर जैसे कि कॉमेडी वीडियो या कुकिंग या कुछ भी जैसे आप लोग को बता सकते हैं कमेंट करके कि किस तरह का वीडियो आप लोग को पसंद हो, उसी तरह से मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग को वीडियो दिखाऊँगी। सो गाइस, तो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, और अभी मैं काम करने जा रही हूँ, तो वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। बाय बाय।